आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। दिनांक 5/5/2023 को जनपद के रास्ते अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान थाना गोपीगंज शराब आबकारी की संयुक्त टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी से लिप्त अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह पर चढ़ा पुलिस के हत्थे, जिसमें गिरोह के सरगना सहित को दो अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से कुल 35 पेटियों में से 2160 पाउच फ्रूटी अंग्रेजी शराब राजस्थान निर्मित कुल 388.80 लीटर व दो अदद फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुआ है, जिसमें अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन मारुति सुजुकी भी बरामद की गई है। वाहन सहित बरामद शुदा अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान से बिहार राज्य में महंगे दामों पर खपवाने की योजना थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की चेकिंग के डर से जनपद के अंदर के रास्तों से होकर बिहार पहुंचने के फिराक में थे। वाहन पर अलग अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को देते थे चकमा। पुलिस की सतर्कता व सूझबूझ से शराब तस्करों का मिशन हुआ फेल। एक सप्ताह पूर्व जनपदीय पुलिस के द्वारा दो अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के गैंग को गिरफ्तार कर दो लग्जरी चार पहिया वाहनों में भारी मात्रा में अवैध शराब किया गया था बरामद। गिरोह के सरगना के विरुद्ध राजस्थान में डकैती लूट हत्या के प्रयास जालसाजी आयुध व आबकारी अधिनियम के सहित गंभीर धाराओं के लगभग एक दर्जन से अधिक अभियोग है पंजीकृत। गिरोह के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच सहित आपराधिक इतिहास की जा रही जानकारी। नगर निकाय चुनाव को सकुशल निष्पक्ष व पारदर्शी संपन्न कराए जाने की दृष्टिगत जनपद के रास्ते अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 4/5/2023 की रात्रि में थाना गोपीगंज शराब आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त गिरोह सरगना सहित दो अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। चार पहिया वाहन सहित बरामद शराब की कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आज जनपद में क्राइम ब्रांच और गोपीगंज पुलिस के द्वारा जो अपराधियों अपराध के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत इन्होंने एक शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो मुजरिम हैं, एक महिपाल गुजर और दूसरा है राहुल जागीर। ये दोनों किसी राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग छोटी वाहन में राजस्थान निर्मित जो शराब है उसको लेकर के बिहार में तस्करी करते हैं, बेचते हैं। इनके पास से करीब 45 पेटी शराब, करीब 388 लीटर की मात्रा है शराब बरामद हुई है, और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसके अंदर ये डिक्की में और अंदर सीट में पैक करके रखे हुए थे। ये कल हमारी जो टीम है क्राइम ब्रांच की और गोपीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रायकी करके इनको घेराबंदी गिरफ्तार किया है। इसमें जो महिपाल गुजर है ये प्रोफेशनल अपराधी है, इसके खिलाफ जो है राजस्थान में करीब 11 मुकदमे डकैती लूट अपहरण इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये लगातार इस तरह से अपराध कर रहे थे और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुए। इनका ये कहना है कि वो राजस्थान में जो शराब है वहाँ से खरीदते हैं और 3x-4x दाम तक बिहार में ले जाकर शराब बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिहार में शराब बंदी है, तो इतना रिस्क लेकर के ये वहाँ जाते हैं क्योंकि इनको 2x-3x उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए शराब करते हैं तस्करी करते हैं। अब इनको गिरफ्तार किया गया है और इन पर जो है गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गंभीर कार्रवाई। हाँ, इसमें जो महिपाल गुजर है इसके खिलाफ 11 मुकदमे राजस्थान अलवर में का रहने वाला है, वहाँ पे इसके 11 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती, 307 बलवा अपहरण इस तरह के अभियोग बने। इनके पास से जो बरामद हुआ है वो एक स्विफ्ट डिजायर कार है, जिसमें 45 पेटी राजस्थान की निर्मित शराब है और नंबर प्लेट है इनकी गाड़ी से। ये नंबर प्लेट को बदल लेते हैं रास्ते में, जब भी चलते हैं बीच में रुक करके नंबर प्लेट बदल लेते हैं ताकि जो है आगे इनको ट्रेस ना कर सके। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, ये इनके पास। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।